एक कप गेहूं का आटा, 1/4 कप सूजी डालेंगे, ज़रा सी अजवाइन, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 3 चम्मच देसी घी डालेंगे। मिक्स करके सॉफ्ट आटा लगाकर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 1 छोटा चम्मच धनिया, 1/2 चम्मच सौंफ, 2-3 हरी मिर्च, ज़रा सा अदरक, इसको दरदरा सा कूट लेंगे। तेल में जीरे और हींग का तड़का लगाएंगे। दरदरे किए हुए मसाले डालेंगे, आँच को एकदम धीमा कर देंगे, इसे ज़रा सा भून लेंगे और इसमें डालेंगे ज़रा सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, उबले और मैश्ड आलू डाल देंगे इसमें। ज़रा सा गरम मसाला डालेंगे, ज़रा सा चाट मसाला डालेंगे, काला नमक डालेंगे, सादा नमक डाल देंगे थोड़ा सा। आलूओं को अच्छे से मसाले में मिलाते हुए भून लेंगे 2 मिनट मीडियम आंच पर। आटे की छोटी छोटी लोई तोड़ेंगे, 1 लोई लेंगे और उसको इस तरह से कटोरी का शेप देंगे उंगलियों की सहायता से बेलते हुए। इसी में आलू वाली स्टफिंग रखेंगे, अच्छे से पैक कर देंगे इसे गोलाकार में। अब पे पैन में देसी घी डालेंगे और इसी में इसे धीमे धीमे आँच पर हम अच्छे से सेक लेंगे चारों तरफ और इसे मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे।